कटनी में भगवान इंद्र की महिमा के कारण बसंत पंचमी में जो पानी गिर रहा है उससे लाखों टन ओपन केंद्र में धान खुली पड़ी हुई है, जिसके कारण धान खराब होने की पूरी संभावना है, मगर जिला प्रशासन इस ओर लापरवाही बरत रहा है। कटनी गल्ला मंडी में पीछे जो ओपन केंद्र है, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे खुली धान पड़ी हुई है और पानी में भीग रही है। ऐसे ही धान खुली पड़ी रही और इंद्र देव की महिमा ऐसे ही होती रही तो संभवतः नई वाली जरूर आ जाएंगी, जिससे गरीबों के निवाले पर असर पड़ेगा। बाद में शासन कहेगा कि अनाज हुआ ही नहीं, कम हुई है, जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। प्रशासन की लापरवाही, यहाँ मिश्रा ठेकेदार है जो मजगमा के पास है, वहाँ भी वो व्यवस्था में लगे हैं। उनका कहना है, उनसे भी संज्ञान लिया गया, उनका कहना है कि मैं वहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ, यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ, जब पूरी तरह से ये भीग जाएगा, जब यहाँ नुकसान हो जाएगा, तब ये इनको बोलो रहे। ये जमीन में पड़ा हुआ है पन्नी, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, न लेबर है, न यहाँ पे कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का अनाज पड़ा हुआ है, जो प्रशासन की लापरवाही, यहाँ मिश्रा ठेकेदार है जो मजगमा के पास है, वहाँ भी वो व्यवस्था में लगे हैं। उनका कहना है, उनसे भी संज्ञान लिया गया, उनका कहना है कि मैं वहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ, यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ, जब पूरी तरह से ये भीग जाएगा, जब यहाँ नुकसान हो जाएगा, तब ये इनको एक गोदाम के पीछे लाखों हजार बोरियाँ हैं जो पानी से गिरने के कारण ख़राब हो रही है। यहाँ पूरी तरह सी तारे भवुंड लग रहा है।